रामायण या अन्य विद्वानों की जो रामायण है वो इनसे भिन्न है। यहाँ पर 75 और 76वें सर्ग में पूरा का पूरा आपको ये घटना पता चल जाएगी कि विवाह हो चुका था, रास्ते में चलकर ये सारा घटनाक्रम हुआ था, लेकिन इस घटनाक्रम में लक्ष्मण जी मौन थे। तुलसीदास रामायण में क्या हुआ, विवाह हुआ ही नहीं, बीच में ही सभा में परशुराम जी को उपस्थित कर दिया गया और लक्ष्मण जी को ठाकुरों का प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी ने बना दिया। पूरी रामायण को एक जातिवादी घटना करार करके और लिख करके आगे सामान्य जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तुलसीदास जी ने, और इस देश में एक भी विद्वान ने तुलसीदास रामायण के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ। आज से केवल 600 वर्ष पहले मुस्लिम आक्रांताओं के समय तुलसीदास जी ने ठाकुरों आदि के उच्च वर्ग की जातियों के दबाव में आकर के घटनाएं मिलाई हैं, और लगभग 50-60% मैं सदैव कहता हूं वाल्मीकि रामायण से भिन्न तुलसीदास की रामायण है। अरे वाल्मीकि रामायण उस समय हुई जब श्री राम जी उपस्थित थे, और तुलसीदास रामायण आज से मात्र 600 वर्ष पहले। किस प्रकार से आप तुलसीदास की रामायण को पढ़ करके सत्य सत्य जान करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं। इसी तुलसीदास रामायण में कहा गया था ढोल गंवार पुष्य पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार पशु और शूद्र नारी, शूद्र और पशु और गंवार क्या ताड़न के अधिकारी, पीटने के अधिकारी है? यह अत्यंत दुर्भाग्य इस देश का, इतना साहस दुस्साहस करने वाले व्यक्ति को हम आगे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, मान सम्मान हो रहा है, घरों में इसकी रामायण मिल रही है और वाल्मीकि रामायण घरों में कहीं उपस्थित नहीं हो रही। यह हिंदू समाज की, वैदिक धर्मी की, सनातन धर्मियों की बड़ी विडंबना है कि हमें रामायण को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। और कुछ लोग इस जो है जकड़ी जकड़ी का और एक क्षेत्रीय भाषा की जो जितनी भी ये चौपाई है इनका बचाव करने के लिए YouTube पर आ जाते हैं, Google पर आ जाते हैं, अपने मन मस्तिष्क से विशेष विशेष इनका अर्थ लगा लेते हैं। अगर सामान्य अर्थ है, कोई संस्कृत नहीं है ये, तो ये सारी की सारी घटनाएं इस प्रकार से तुलसीदास रामायण से ही मिलाई गई हैं। रामायण में किस प्रकार से कौन सी घटना कहां मिलाई गई है, मैंने रामायण पर लगभग सभी प्रश्नों के हल कर दिए हैं। ये 2-3 प्रश्नों के हल अभी रहते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हल आज हो गया। श्री लक्ष्मण जी को ठाकुरों का प्रतिनिधित्व वहां पर करार दे दिया गया और आर्य विचारधारा, आर्य विचार और आचार के विरुद्ध लक्ष्मण जी का वहां पर व्यवहार दिखाया गया। गाली गलौज का, उकसावे का, क्रोध का व्यवहार वहां पर लक्ष्मण जी का दर्शाया गया, जबकि ये घटना वहां की है ही नहीं। और जहां ये घटना हुई थी वहां भी लक्ष्मण जी मौन थे, बोले नहीं थे। ये सारी की सारी किस प्रकार से घटनाएं मोड़ दी गई है, और आज जैसे समाज इस जातिवादी व्यवस्था में फंस गया है, ये सारा का सारा रामायण महाभारत में मिलावटी श्लोक और चौपाइया और अन्य भिन्न भिन्न ग्रंथ है जो रामायण और महाभारत पर उपलब्ध हो रहे घरों में, उनके कारण ये जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, स्त्री अशिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों जितनी भी ये सती प्रथा आदि बुराइयां चली हैं, ये सब की सब मिलाई गई है हमारे ग्रंथों में, ताकि लोग प्राचीन ग्रंथों में पढ़ेंगे तभी मानेंगे, नवीन ग्रंथ यदि कोई रचेगा तब कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार से सारा का सारा तुलसीदास आदि रामायण और अन्य जितनी भी रामायण है इनमें मिलावट की गई है।